अच्छा काम कर, अच्छा काम कर और उसी काम से अपना नाम कर। संघर्ष की पीड़ा में बहुत से लोग होते हैं पर मंजिल से दिल लगी होती है। बहुतों को देखा है मैंने गिरकर हारते हुए, यही उनकी जिंदगी होती है। आज ना कोई कंटेंट की बात होगी, ना पब्लिक स्पीकिंग की बात होगी, ना ट्रेनिंग की बात होगी, ना कंटेंट, ना टिप्स और ट्रिक्स की बात होगी। आज बात होगी ऐसे अल्फाज की जिस अल्फाज पर मेरा विश्वास है, जिस अल्फाज की हम सबको तलाश है और हमें हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट से नई आस है। और इस नई आस के साथ मैं आप सब लोगों को तहे दिल से इनवाइट करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ, न्योता देता हूँ। 11 साल कंप्लीट हो चुका है हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट का। हाँ, मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स तो नहीं गेन किया हमने, लेकिन बहुतों की जिंदगी को सुधार दिया हमने। जो कभी मायूस थे, हताश थे, निराश थे, जिनके माँ बाप के आंसू निकल रहे थे, जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी थे, हमने उनको इम्प्रूव किया मेहनत करके, मुशक्कत करके, ऊपर वाले की ब्लेसिंग से, अपने माँ बाप की ब्लेसिंग से, हम सब की मेहनत और लगन और जुनून के साथ हमने उनको इम्प्रूव किया। और 11 साल पूरा हो गया इसी को करते करते। और इस 11 साल पूरा ऐसे नहीं हुआ है, बहुत बड़ी, बहुत लंबी कहानी है, जो लंबी कहानी मैं आपको शेयर तो नहीं कर सकता अभी, लेकिन आपको ज़रूर न्योता देता हूँ। इसी आने वाले 9 जुलाई संडे का दिन है, 11 बजे हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं एक साथ, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जिंदगियाँ कैसे सुधरती, उनके माँ बाप की आशाएं और उम्मीदों पे कैसे, किस तरीके से हम जो है कि एक बहार लाते हैं, खुशबू लाते हैं, बिखेरते हैं। कैसे एक स्टूडेंट जो आता है वो कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट होता है, एक्सट्रोवर्ट कैसे बनता है, हम आपको सारी टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे। और साथ में आप मेरा डांस देखेंगे, जो कभी जल्दी आप मैं दिखाता नहीं। आप मेरे गाने को सुनेंगे, हम सब का कल्चरल प्रोग्राम्स होगा, डांस होगा, पार्टीज होगे, फंक्शंस होगे, और साथ में खाने पीने का इंतज़ाम होगा, रिफ्रेशमेंट होगा। आप सबका स्वागत है हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट के कैंपस लक्ष्मी नगर दिल्ली में, 9 जुलाई 2023, 11 बजे, आने वाले संडे। आइए बात का आगाज करते हैं। आज बात हो रही है हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट कैंपस की। हैप्पीनेस, वो हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट जो हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट कभी 1,000 रुपये में शुरू हुआ था। मैं गया था अपने दादा के पास, बोला एक कोचिंग खोलनी है। दादा ने पूछा, क्या कोचिंग खोलनी, क्यों कोचिंग खोलना चाहते? तो मैंने कहा, नहीं खोलनी है, मेरा मन कर रहा है, आई वॉन्ट, मुझे चाहिए। तो आई जस्ट आस्क 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपया मांगा गया। और उस 1,000 रुपये में 7 स्टूल, 2 कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, आधा किलो मिल्क केक से शुरुआत हुई, और एक मार्कर, एक डस्टर, एक छोटा सा बोर्ड। 1,000 रुपये में कैसे कैसे मैनेज करके, स्टूल शायद 70 या 65 रुपये का एक था, फाइबर। मैं आपको बहुत ज़्यादा हिस्ट्री, बहुत इतिहास तो नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं अभी इतिहास बताने के उस लायक नहीं हूँ, उस काबिल, उस मुकाम पर, उस मंजिल को मैंने हासिल नहीं किया है कि आपको बैठकर प्रेरणादायक कहानी सुनाऊं। लेकिन मैं आपको ज़रूर इतना बताना चाहूँगा कि 11 साल का जो लम्हा होता है, एक बच्चा जब बच्चा था, उसने अपने बचपने को इसी इंस्टीट्यूट, इसी कैंपस के लिए गुजार दिया। एक बच्चा जो था, बच्चे से जवानी आ गई उसकी, वो जवानी भी इस इंस्टीट्यूट को दे दिया। जब इंसान इमेच्योर था तब भी, और आज मैच्योर होने के बाद अब भी, पूरी ज़िंदगी या पूरा टाइम, पूरा वक्त, ये मुकम्मल जहान को दे दिया, इसी हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट के आसमान को दे दिया। यूँ ही नहीं बनती मंजिलें, उसके लिए पैरों में छाले होने पड़ते हैं और हाथ भी काले करने पड़ते हैं, तभी जाके मिलती हैं मंजिलें। बहुत सी ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं, बहुत सी बातें आई, लेकिन सफ़र जारी रहा, लोगों की ज़िंदगियां निखरती गई, कुछ निखरे तो कुछ अब लोग बिखर गए, लेकिन हाँ, जिंदगियों को निखारने का सिलसिला कभी रुका नहीं। कभी 2012 में जब इंस्टीट्यूट ओपन हुआ था, शुरुआत हुई थी, नोबडी वाज देयर, कोई नहीं था। आई वाज देयर सिटिंग अलोन, बैठे हुए अकेले, जा रहे हैं, आ रहे हैं, साइकिल से चलाते हो, आना लोग शुरू किए, बट देयर वाज वन थिंग, ऑनेस्टी, बिकॉज ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी की नीति अपनाएंगे, मेहनत, मुशक्कत, जुनून के साथ जो भी दीजिए,
आप छोटे लेवल पे दे रहे हैं, आप एक की जिंदगी सुधार रहे हैं, आप दो की जिंदगी सुधार रहे हैं, आप मुकम्मल तरीके से मेहनत करिए, आप दिलो जान लगा दीजिए, आप पसीने को मत देखिए, आप अपने पतले पन को मत देखिए, आप अपने गालों की झुर्रियों को मत देखिए, आप अपने बदन की कमजोरी को मत देखिए, आप झोंक दीजिए। वही मेरा ट्रस्ट और वही बिलीफ था इस हैप्पीनेस इंस्टीट्यूशन के एस्टैब्लिशमेंट के लिए। ऐसे नहीं बनते मुकाम, उसके लिए बहुतों को कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। जब बचपने में जीना था, जब जिंदगी में जिंदगी का इंजॉयमेंट लेना था, तो मैं कहीं ना कहीं जिंदगियों को सवार रहा था, जिंदगियों को मुकम्मल बना रहा था, जिंदगियों को निखार रहा था। और आज वही जिंदगियां निखर कर इतनी दुआएं उनके माँ बापों की लगी, उनके माँ बाप की लगी, जिनके माँ बाप की दुआओं ने इस हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट को एक गाँव से ला के भारत की राजधानी में खड़ा कर दिया। और हम अब ये पूरी तरीके से दृढ़ संकल्प ले चुके हैं, निश्चय कर लिए हैं कि अब हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट का रिवोल्यूशन, क्रांति रुकेगी नहीं। 11 साल के बाद हम चाहते हैं कि इस इंस्टीट्यूट की क्रांति बढ़ती रहे और लोगों की जिंदगियां निखरती रहे। हमारे यहाँ लोग आए, कभी उन्हें ड्रग्स का नशा हुआ करता था, माँ बाप रो रहे थे, हताश थे, परेशान थे, मेरा बच्चा सुधर नहीं रहा, इसकी पर्सनैलिटी में कम्प्लीटली चेंज आ गया, ये लोगों से बात नहीं कर पा रहा है। हमने कहा जी आप धैर्य रखिए, आप घबराइए मत, हम कोशिश करेंगे, हम मेहनत करेंगे, हमारा काम यही है, वी विल डू इट, हम ऐसा काम करेंगे। एंड वी अश्योर्ड देयर पेरेंट्स, वी अश्योर्ड देम दैट वी वुड चेंज देम, एंड वी डिड इट, हमने ये किया। और आज जब हमने वो ये काम किया तो आज जाके हमें मुकाम मिला। आए थे ऐसे बच्चे, ऐसे बैठे हुए हैं जिनको दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं, दुनिया से कोई मेल नहीं, दुनिया से कोई जोल नहीं, अपनी बातें रख नहीं पा रहे हैं, बेवजह मुस्कुरा रहे हैं, और जब मुस्कुराना है तो मुस्कुरा नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमने उनकी पर्सनैलिटी को चेंज किया, वी चेंज देयर पर्सनैलिटी, वी बिल्ड देम, वी ट्रांसफॉर्म देम, एंड वी अश्योर देम दैट यस we would do all the things for you and we would make all efforts and we would change your personality, you don't need to. zindagi mein jab aap wo kaam kar rahe hote hain jis bhi kaam se logo ki zindagiyan sudharti hai, logo ki zindagi mein badlav aata hai, to aap ye maan ke chaliye aaj nahi to kal aap zarur padhenge. aaj ho sakta hai ki aapka din, aapka waqt, aapka samay sangharsh se bhara hua ho, बट संघर्ष के बाद मंजिल मिलती है। मंजिल तो मिलेगी यकीनन, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। कभी कभी जिंदगी में, मैं मानता हूं कि सब लोगों की जिंदगी में, सब लोगों की जिंदगी में, रिक्शा चलाने वाले से लेकर बड़ी बड़ी एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज चलाने वालों की जिंदगियों में संघर्ष जरूर आता है। वो हताश होके, निराश होके यूं ही बैठ जाते हैं, उन्हें लगता है इट्स द लास्ट मोमेंट, इट्स द लास्ट डे, एवरीथिंग इज गॉन, फिनिश, स्पॉइल्ड, बट नो दैट्स नॉट एंड, वो खत्म नहीं होती है चीजें, वो चीजों का शुरुआत होता है। ए गॉड, ए खुदा, ए ईश्वर, मुझे समस्या और प्रॉब्लम्स देने के लिए तेरा शुक्रिया है, क्योंकि तूने मुझे उस काबिल समझा कि तूने मुझे प्रॉब्लम्स दी है। और जब भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम के साथ आता है हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट के कैंपस में, जिसकी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से अजीबो गरीब है, जो नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है, हम शुक्रिया करते हैं भगवान का, खुदा का, ईश्वर का, कि हमें इस काबिल बनाया कि हम इसके ऊपर काम कर सकें। When we change, the moment we change, the moment people qualify their interviews, the moment people speak upon the stage with just confidence, people groom themselves, change their personality, crack their interviews, and they come and they tell us. वो हमें बताते हैं कि सर, after joining Happiness Institute, we have really transformed ourselves and changed ourselves and completely groomed our personality. Thank you, sir. Thank you, Happiness Campus. Thank you, Happiness Institute trainers. And this is absolutely an amazing gift for us, outcome for us and result for us. हमारे लिए इससे बड़ा कुछ नहीं है, परिणाम से बड़ा कोई धन नहीं है हमारे लिए।
यही परिणाम, यही रिजल्ट, यही जिंदगियों को सवारने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मैं कुछ छोटी सी बात बताता हूं। कभी मैं क्लास 12th में था, मैं क्लास 12th का एग्जाम दे रहा था अपने ही इलाके में, उत्तर प्रदेश में, जहां आज हमारी टीम बहुत मेहनत से काम कर रही है, इंस्टीट्यूट को चला रही है। मैं 12th का एग्जाम देने गया था, बैठा हुआ था एग्जाम सेंटर में, थोड़ा सा लेट हुआ, मतलब टाइम नहीं हुआ था, तो हम लोग गए बैठ गए थे। एक लड़का पीछे बैठा हुआ था, तो मैं उससे बात करना शुरू किया। मैंने कहा मुझे इंग्लिश सीखना, मैं थोड़ा सा अपने बारे में जानना चाह रहा था, हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाह रहा था। तो मैंने पूछा कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, बताओ कोई है क्या इंस्टीट्यूट? उसने कहा हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, मार्टिनगंज इलाके में हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे अब्दुल्ला सर और ये उनकी टीम बहुत मजबूती से पढ़ाते, क्या क्या गजब का माहौल है, वहाँ जाओगे तो इंग्लिश बहुत अच्छी आ जाएगी। मैंने कहा अच्छा जी, ठीक है, मैं जाऊँगा ज़रूर हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट में इंग्लिश सीखने। तब तो इंग्लिश ही सिखाते थे हम लोग, आज तो बहुत ज़्यादा चीज़ों पर काम करें, और भी ज़्यादा चीज़ें हम जोड़ने वाले। एक बार की बात है, एग्ज़ाम के 1.5 महीने बाद मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, लड़का अचानक आता है, जैसी एंट्री लेता है ऑफिस में, अबे अब्दुल्ला तू, वाज लाइक दैट, एंड आई सेड हाँ मैं, कह तू यहाँ का डायरेक्टर है और तू मेरी खिल्ली उड़ा रहा था, मतलब पूछ रहा था इंग्लिश कौन सिखाता है। आई सेड वो ऐसे मजाक कर रहा था, मैं एक सर्वे कर रहा था, थोड़ा जानना चाह रहा था कि क्या है, हम लोग का कुछ लेवल है, लोगों को हमारे बारे में जानकारी, हम कुछ समाज के लिए कर रहे हैं बेहतर या नहीं कर रहे। तो उस वक्त लगा कि हाँ हम कर रहे हैं और हमारे कामों से हमारा नाम हो रहा है और हम चाहते हैं ये काम दुनिया के हर एक कोने में पहुंचे, हम बिल्कुल ये चीज़ करेंगे। हम बहुत मेहनत कर रहे थे, अंदर अंदर बहुत मेहनत कर रहे थे, सोशल मीडिया पे तो हम उतना काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर हम स्टूडेंट्स की जिंदगियों को संवार रहे हैं, निखार रहे हैं, और ये काम हम करते रहेंगे और भारत देश के हर एक राज्य, हर एक ज़िले में हम करना चाहते हैं, हर एक लोगों के ऊपर काम करना चाहते हैं, हर एक उस स्टूडेंट के ऊपर, हर एक उस हताश निराश इंसान के ऊपर, हर एक जो जिसकी इंग्लिश नहीं सही है उसके ऊपर, जिसके जो है कि जो स्टेज पर बोल नहीं पा रहा है उसके ऊपर, जिसका इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है उसके ऊपर, जिसकी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी उसके ऊपर, हर एक इंसान के ऊपर हम काम करना चाहते हैं। एंड वी वॉन्ट टू बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस, their level of expectations and their level of speaking and presentation, we want to give them, we want to build them, we want to actually make them realize their potential. हम उनकी ताकत को उनसे रूबरू कराना चाहते हैं, उनको मिलाना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि yes they are something, वो कुछ हैं, and they could do something and they can do something, वो कुछ कर सकते हैं, they don't need to be confused and complicated because they have great life. और मेरा यही कहना है, आप सब लोग आइए, हम सब ने 11 साल कंप्लीट किया है, तो ये 11 साल सिर्फ मेरा क्रेडिट नहीं है, हमारी सब टीम का, पूरे टीम का, एक एक बंदे से लेके, एक एक इंसान से लेके, उन सब टीमों का है, आप हर एक स्टूडेंट का है, हम लोग के सभी लोग के गार्जियंस का है, हम सब लोग की यात्राओं में जो भी शामिल रहे हैं, थे और हैं और रहेंगे, उन सब का है। 11 साल बहुत लंबा वक्त होता है, इंडर लंबे वक्त में बहुत कुछ सीखने को मिला, दर्द मिल जाता है, फिर जख्मों का दर्द का इलाज और मलहम मिल जाता है, 11 सालों में बहुत कुछ मिला, एंड इट वॉज द जर्नी ऑफ प्लीजर, इट वॉज द जर्नी ऑफ लर्निंग, इट वॉज द जर्नी ऑफ गेनिंग, इट वॉज द जर्नी ऑफ लव, इट वॉज द जर्नी ऑफ अफेक्शन, एंड इट वॉज द जर्नी ऑफ creativity and innovation, it was the journey of service, it was the journey of transformation and change, and that's why I love this journey, and I'm the fan of this journey, I'm so much attached and connected with this journey, this was special, this is special, and this will be special, and it will be everlasting, and I will be connected with this happiness institute and giving this service to max and max number of the people, just you know max and max number of the people, until and unless I breathe, जब तक सांस है तब तक आस है और ज्ञान की तलाश है और ज़िंदगी बदलने का विश्वास है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आप सभी लोग का स्वागत है, आप सब आइए, थैंक यू।